कल हम लोगों ने वेट बाय वेट परसेंटेज देखा, इसको हम लोग मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं, निशिगंधा, ठीक, इसको हम लोग मास परसेंटेज भी बोलते थे, मास परसेंटेज, ठीक है। कल अपन ने ये देखा, आज हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखना शुरू कर रहे थे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसको बोलेंगे? कल हम लोगों ने जो देखा उधर में, वेट बाय वेट परसेंटेज को बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 5% बाय मास, सुनना, 5% बाय मास ग्लूकोज दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, हो गया ना, ठीक है। तो यहां देखना, अगर मैं बोलूं 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज, कल अपन ने क्लियर भी किया था 5% वेट, मतलब अगर मैं मान लूं ये 100% सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात कर लूं, 100% ही होगा, 2-3% तो सॉल्यूशन होता नहीं, 100% होता। अगर 100% सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन का वेट जो है वो 100 ग्राम मान लिया मैंने, 100% मतलब 100 ग्राम, एक्स ग्राम मान लो, 1 ग्राम मान लो, जो मान सकते हो मान लो, मैथ्स में एक्स मानते थे, एक्स मानो, 100 मानने में यह आसानी होगी, 100% मतलब 100 ग्राम, तो 5% मतलब 5 ग्राम, 10% मतलब 10 ग्राम, एक्स मानोगे तो एक्स परसेंट के मतलब सॉरी टोटल है एक्स परसेंट, तो एक्स का 5% निकालना होगा, 5x/100, तो वो दिक्कतें आएंगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन सॉल्व होगा उससे भी। मैंने मान लिया 100% पूरा सॉल्यूशन है, तो 5% ग्लूकोज है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर मान लिया तो 5 ग्राम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ये अपन ने कल देखा, आज क्या देखने जा रहे हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml मान लेंगे पूरा, तब हम लोग उसको बोलेंगे परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट। देखते हैं क्या है ये। चलो इधर में अगर डेफिनेशन लिख ले तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट या वन कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट मान, या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम बात कर ले, इनटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। ये थोड़ा मार्कर लिख नहीं पा रहे हैं, इनटू 100 मान लेते हैं तो ये आ जाएगा पूरा अपन के परसेंटेज में। अगर बातें कर ले एग्जांपल की, सर ये क्या है, पूछोगे नहीं ये क्या है, अगर एग्जांपल नहीं तो सब अधूरा। जैसे देखिए एग्जांपल, 5% HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, सुनना, ये एक लाइन है जिसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का अपन ने यूज किया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज किया, इसका मतलब ये हुआ सर, आपने अभी बोला कि अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सुनना, 5% HNO3 है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन 100% ले ले, 100% का मतलब अगर 100 ml है तो 5% का मतलब 5 ml, तो यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ HNO3 कितने हो जाएंगे, HNO3 कितने हो जाएंगे, 5% है ना, तो 100 का 5% कितना होगा, 5 ml। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने होंगे इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है HNO3 इन वाटर, तो HNO3 में वाटर कितने होंगे, तो 100 - 5 = 95 ml। ये अपन ने थोड़ा थोड़ा कल भी किया, आज भी सेम चीजें हैं लेकिन वॉल्यूम के टर्म में है, कल वेट के टर्म में था। कल का वीडियो अगर देखा होगा पूरा तो यहां तक समझ में आ गया होगा, जो नए हैं उनको भी, अगर नए हैं उनको दिक्कतें आ रही होंगी क्योंकि उनको ये समझ में पहले नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। जब ये पता हो जाता है कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, उसे क्या फायदे हैं, क्या आगे यूज हैं, तो समझ में आना शुरू होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। कल हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन देख रखे थे, उस पर भी हम लोगों ने वेट बाई वेट परसेंटेज का यूज करके देखे कि वेट बाई वेट परसेंट कहाँ यूज होगा, क्वेश्चन में कैसे देता है, वैसे ही वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज को देखेंगे थोड़ी देर के बाद। इसके पहले देख लें एक एग्जाम्पल, एक टॉपिक और आगे करके, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये देखो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है थोड़ा। यहाँ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहा है,
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की मतलब क्या हुआ? सुनना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ, अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 100 ml मान लूं, तो उसमें 5 ग्राम या 5% का मतलब 5 ग्राम जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट होगा, वो होगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं, अगर 5% ग्लूकोज, ये वेरी इंपॉर्टेंट जाएगा, ये यूज ज्यादा होता है, डेंसिटी यूज करना पड़ता है, ग्लूकोज बाय वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, सॉल्यूशन। अब बातें आएंगी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लेट करेंगे क्या, सुनना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने मान ले, 100 ml, क्लियर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मान ले, 100 ml। अब बातें करेंगे ग्लूकोज कितना है, सर टोटल 100, तो 5% मतलब 5, तो वेट के टर्म में लिखना है, सुनना, यहां पे वॉल्यूम था इसलिए मैंने ml लिखा, लेकिन यहां जो ग्लूकोज लिखना है वो वेट के टर्म में लिखना है, इसीलिए यहां लिखेंगे वेट ऑफ ग्लूकोज, यहां पे वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज नहीं लिख सकते, वेट ऑफ ग्लूकोज लिखना होगा, क्योंकि यहां वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में दिया है, तो वेट ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 5% मतलब 5 ग्राम में लिखना होगा, 5 ml नहीं लिख सकते, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब बातें आती है कि 5 ग्राम ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज इन वाटर, और वाटर और ग्लूकोज मिला के 100 ml है, वाटर और ग्लूकोज मिला के 100 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 5 ग्राम का ग्लूकोज और पूरा सॉल्यूशन 100 ml का, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनॉट बी कैलकुलेटेड। कुछ लोग के दिमाग में तुरंत आया होगा, अरे 95, 100 - 5 जो उतने देर से सर करते आ रहे हैं, वेट बाय वेट में भी वॉल्यूम बाय, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है और यहाँ पे वेट दे रखा है, वॉल्यूम में से वेट माइनस कर सकते हो क्या, ml में से ग्राम माइनस किया जा सकता है क्या, नहीं, ग्राम और ml डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट पढ़ा है ना, तो डिफरेंट बेसिक यूनिट्स हैं, उन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कैसे कर सकते हैं, यूनिट सेम हो तब घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर मैं बोलूं 2 meter में 3 centimeter ऐड करो, तो ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोनों लेंथ का ही यूनिट है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2 meter में 2 liter ऐड करो, 2 liter और 2 meter को ऐड करो, क्या लिखोगे, मीटर को लीटर में बदलो तब ऐड हो सकता है। लेकिन अब मैं बोलूं 2 kg को 2 liter में ऐड करो, क्या लिखोगे फिर, वैसे ही यहाँ पे लीटर और केजी में, मतलब मिलीलीटर और ग्राम में, तो इन दोनों का कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता है, दोनों डिफरेंट यूनिट्स है, इफ यूनिट्स आर सेम देन वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट, समझ में आया ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2O कैनॉट बी कैलकुलेटेड लिख लेना थोड़ा सा, और इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे गलतियां नहीं करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पे सर वॉल्यूम ऑफ H2O कैलकुलेट करना हो, या फिर हमको वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना हो, वेट ऑफ वाटर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो यहाँ पे डेंसिटी जरूर 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 चाहिए, ताकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 है, अगर डेंसिटी दे दिया 1, तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे वेट आ जाएगा, वेट किस चीज का, पूरे सॉल्यूशन का, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो पूरे सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा, तो पूरे सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा, तो सॉल्यूट का वेट है, तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। एग्जांपल इस पे करा के देता हूं, दूसरी एग्जांपल्स में लिखेंगे, ये लिखने के बाद इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिखो, ये लिखने के बाद, ये अभी नहीं लिखने, ये वीडियो में से लिखने, जो नए हैं वो हड़बड़ाए नहीं कि सर मिटाते जा रहे हैं आप, तो दनादन नहीं, मैं मिटा इसलिए रहा हूँ कि हम लोग को थोड़ी देर में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, नहीं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कब, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही चीज़ें पढ़नी होती है, तो अभी डबल शिफ्ट में तुम लोग की पढ़ाई होती है, अभी मैं पढ़ाते जाता हूँ और वीडियो अपलोड करने के बाद तुम लोग उसको देख देख के स्टॉप कर करके लिखते जाओ, ये 2 shift में पढ़ाई होती है केमिस्ट्री की, ठीक है, अभी बस समझना है, घर पे इसको और अच्छे से समझ जाओगे एक बार और देखोगे तो, इसीलिए डबल शिफ्ट करना है। देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स की बातें करूँ, ठीक है, कोई रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, रफ कॉपी में जो जो लिखना है लिखते चलो, नहीं तो मत लिखो तो भी चलेगा। यहाँ देखो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ कि फाइंड मोल फ्रैक्शन, सुनना ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा होने जा रहा है, मतलब दिल थाम के बैठना, थोड़ा तगड़ा होगा, जिनको समझ में आएगा वो ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोशिश करेंगे एक बार और लिखते समय समझ में आ जाए शायद वीडियो देखने के बाद, नहीं तो फिर मेरे को व्हाट्सअप करें पर्सनली, मैं उसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब तगड़ा होना पड़ेगा, ये 10th नहीं है, 10th 9th 10th तक ऐसे है, 11th ऐसे है, डायरेक्ट इंक्लाइंड ऐसे होता तो गाड़ी चढ़ जाती,
लेकिन ये ऐसे है, चढ़ने में मुश्किलें बहुत आएंगी, थोड़ी नहीं बहुत आएंगी, आएंगी तो झेला जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आसान बना के देता हूँ केमिस्ट्री, तुम पूरा फुल केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री मैं आसान बना देता हूँ, होल केमिस्ट्री की बातें करो। कभी भी अगर हार्ड लग जाए तो बोलना सर आप ही के भरोसे तो केमिस्ट्री ले लिए और ये फंस गए लोग, हम लोग हार्ड हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा बोलना। मोल फ्रैक्शन ऑफ, सुनते जाना, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, इफ सुनना, ऑक्सीजन एंड वाटर लिख लेते हैं, वाटर इफ, ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, अगर मैं दे देता हूं 5% वेट बाय वॉल्यूम, सुनना वेट बाय वॉल्यूम का यूज मैंने कर लिया, मोल फ्रैक्शन कल सिखाया था उसको सॉल्व करूंगा, 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन या ऑक्सीजन सॉल्यूशन, ऑफ ऑक्सीजन सॉल्यूशन मैंने लिख लिया, ठीक है। गिवन, अगर मैं दे रखा हूं डेंसिटी इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर क्यूब लिख लो, मतलब ऐसा दे रखा है अपन के पास, एक छोटा मोटा कंसेप्ट पे क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन हुए। अब हम लोगों को कैलकुलेट करें, देखते जाना धीरे धीरे, इसमें हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, सुनना, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन कहां से मिल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ वाटर, हमको मोल चाहिए सब मिला के, बातें ये हो रही है। मोल का मतलब होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, जो कि इतने दिन से करते हुए आ रहे हैं, मोल का मतलब हुआ गिवेन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब बातें आएंगी सर गिवेन वेट कहां से लाएं, तो यहां पे अपन के पास दे रखा है 5% वेट बाई वॉल्यूम दिया है, सर वेट तो एक का दिया है, किसका, ऑक्सीजन का, लेकिन वॉल्यूम दिया है पूरा सोल्यूशन का, तो H2O का कहां से लाएं, बातें आएंगी ना। अब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, आएगा कहीं से सॉल्यूशन, अगर देख ले इसका, सुनते जाना, गिवन क्या है 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, मान ले, बोला था ना नीचे वाले को 100 मान लेंगे, तो 5% का मतलब 5 ग्राम, तो वेट ऑफ, सुनना, वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व कर रहे हैं ना पूरे सॉल्यूशन में, वेट ऑफ ऑक्सीजन 5 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो इसको वेट में लेंगे, इसको वॉल्यूम में लेंगे। अब मेरे को चाहिए वाटर का वेट, ऑक्सीजन का वेट आ गया, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, चलो मोल ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल लेते हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, मोल ऑफ वाटर चाहिए, दो निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 5 डिवाइडेड बाई 32, मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, ये इतने दिन से यही काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी को अभी भी न्यू जो है उनको प्रॉब्लम है मॉलिक्यूलर वेट 32 ऑक्सीजन का कैसे हुआ, रिप्लाई मारे मैं रिप्लाई देता, ठीक है, तुरंत के तुरंत, ये आसान चीजें हैं। 32, एक मिनट एक काम करेंगे, यहाँ पे अपन 16% कर ले क्या, ताकि ये 16 आ जाए, तो 16 ग्राम हो जाएगा, इजिली कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं 16 लिया, 5% भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आएंगी वेट ऑफ वाटर, सर वाटर का भी मोल निकालना है, दोनों मोल आ जाए तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूँ पुट करके वैल्यू, लेकिन दोनों का मोल निकालने के दोनों का वेट जो होना जरूरी। अब बातें कर लेते हैं मोल्स, सॉरी यहाँ पे वेट ऑफ वाटर की, लेकिन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है 100 ml, चलो डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी किसका दे रखा है, पूरे सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का डेंसिटी होता है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलो पूरे सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी दे रखा है 1.25 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड करने हैं डिवाइडेड बाय, अगर मैं लिख लूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 125 ग्राम, बोलो चलेगा क्या, 125 ग्राम अपन के पास आ गए वेट, हमको वेट से मतलब नहीं, हमको मोल से मतलब है, मोल, चलो मोल निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो मोल ऑफ वाटर निकालने, तो पहले वेट ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ
वाटर, वाटर का वेट कितने हो जाएंगे? सुनना, ऑक्सीजन है 16 ग्राम और वाटर कितना होगा कि पूरा सॉल्यूशन 125 हो जाए, तो ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 125 माइनस 16। ये क्लियर है ना? किसी का क्लियर नहीं होगा बोल देना, एक स्टेप और लिख दूंगा, लिख ही देता हूं। चलो, सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ, सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर। बोलो, इसी चीज का सॉल्यूशन है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या? वेट ऑफ वाटर निकालना तो वेट ऑफ ऑक्सीजन को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 125 माइनस 16। हाँ, ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिक्कत है, दिखता ना? तो यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा 109, ठीक है 109 ग्राम। ये आ जाएंगे अपन के वाटर का वेट, लेकिन वाटर का वेट नहीं चाहिए, वाटर का मोल चाहिए। चलो, तो मोल ऑफ वाटर, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं बातें कर लूं यहाँ पे थोड़ा सा, थोड़ा देखते जाना, वेट है 109, मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का 18, अभी तक यही तो करते आ रहे हो, ठीक है। अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6.0 कुछ आएगा, 6 ले लेता हूँ, अगर ये 8 रहता 9 की जगह पे तो 6 आता, 6 टाइम 6 मोल हो गया वाटर। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए थे, ऑक्सीजन कितने आए थे जी? तो मोल फ्रैक्शन अगर इसका लिखना चाहे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आए थे, 16/32, 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 6, ये आ जाएंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 6.5 और 1/13। अच्छा, 1/13 अगर ऑक्सीजन के आ गए तो H2O के कितने आ जाएंगे, अपन ने इसको क्लियर कर रखा था, 1 माइनस दैट मच, मतलब 1 माइनस 1/13। ये कल वाले लेक्चर में मैंने क्लियर कराया था, ये वाला प्रूफ करके भी दिया था कल वाले लेक्चर, कुछ लोग आधा देख के आए हैं, न्यू बच्चे जो हैं, कुछ लोग पूरा देख के आए हैं, पूरा देखोगे एक बार और क्लियर हो जाएगा, कल संडे आराम से बैठ के देखो, यही काम है अभी तुम लोगों का। ये हो जाएगा 12/13, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल था जिसको मैंने इसलिए करवाया क्योंकि कल संडे है, आराम से इसको एक दो बार करो, ये एक बार में जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी मेरा अनुमान है कि कुछ लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को दिक्कतें आई होंगी, वीडियो देखो वहां से नोट करो। चलो, अब थोड़ी सी आगे की बातें मैं कर लेता हूं क्योंकि अब जो बातें आएंगी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। क्या बातें हैं सर, लिखना। पहला, PPM, PPM ये क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब एक मिलियन में ये कितने पार्ट हैं। इसमें लिखेंगे इट इज अ यूनिट यूज्ड टू डिनोट द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत छोटी चीजों को। हाँ सर, एक मिनट थोड़ा सा रुकना है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करने में यूज, जैसे एग्जांपल्स मैं तुम लोगों को बताता हूँ, वहीं से समझ लो, बहुत ही छोटा चीज है। जैसे 0.002 लीटर अगर मैं लिखूं तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है लीटर की, इसको हम लोग अनदर टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 मिलीलीटर। ये अच्छी लग रही है 2 मिलीलीटर, 0.00 लिखने से तो बचे। वैसे ही अगर मैं लिखूं 0.00002 लीटर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइक्रोलीटर, माइक्रो 10^-6, इसको 10^-6 लिखते हैं, इसको 2×10^-3 लिखते हैं, -3 को मिली कहते हैं, -6 को माइक्रो कहते हैं। इतना तो ज्ञान है, इतना तो कौन सा पेज में जाओगे, जिसको मैं बोला था कि ये पेज की जरूरत 60-70 बार पड़ेगी, पहले 50-60 बार बोला था, अब 60-70 बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस टर्म में लिखना हमको अच्छा आएगा, लेकिन इस टर्म में लिखना हो तो हमको लगेगा कि ये वेरी डिफिकल्ट चीज़ें लिख रहा हूँ। तो जब चीज़ें थिंग्स की क्वांटिटी बहुत ही छोटी होती जाती है तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ें ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं, मिली, माइक्रो, पीको, एंगस्ट्रम, नैनो, ऐसे टर्म्स यूज़ आते हैं। वैसे ही यहाँ PPM यूज़ आता है, केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करते हैं पार्ट पर मिलियन, मतलब एक मिलियन में ये 2 है,
तो अगर एक मिलियन में दो है तो हम लोग जनरली किस चीज में देखते हैं, एक में कितना है, तो वन मिलियन में ये टू है, तो वन में कितना है, तो 10^6 से डिवाइड कर लेंगे, यही ना करते हैं। तो यहां पे जब ppm में लिखना हो, जैसे एग्जांपल्स बोल दे टू पार्ट्स या टू ppm, इसका मतलब क्या हुआ टू ppm, तो हम लोग बोल सकते हैं टू इन 10^6, या फिर ऐसे बोलना हो तो 2 ग्राम इन 10^6 ग्राम की बातें चल रही है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल लिख लेना, इसको यूज करना थोड़ा सा, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे सर बातें करें इसका फॉर्मूला का, तो ppm इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, या जो भी लिखना हो सॉल्यूट में लिखना हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इंटू 10^6। 10^6 को एक मिलियन बोलते हैं, तो 10^6 को एक मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बातें करूं एक मिलियन में ये इतना है, अगर कोई नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन या कंपोनेंट जो आते हैं वो आ जाए 0.00002, तो उसको 10^6 से जब डिवाइड करो तो वो 200 या 20 आएगा, तो वो बोलना आसान होता है, लेकिन वहां 20 ppm लगाएंगे। ppm में दिया हो कोई भी चीज, जैसे एग्जांपल ये 2 ppm दिया, तो 2 है 10^6 में, मतलब 2 ppm अगर वेट दिया है, मतलब 2 ग्राम इन 10^6 ग्राम, 10^6 ग्राम में वो 2 ग्राम है। जैसे अगर बातें कर ले 2 ग्राम है या 2 ppm वेट है इन ग्राम, अगर मैं बातें करूं तो यहां पे इसका वेट की बातें करूंगा, तो वेट जेन्युइन वेट कितनी होगी, तो 2 डिवाइडेड बाय 10^6, क्योंकि ये ppm कब लगेगा, जब यहाँ 10^6 से इंटू होगा तो यहाँ ppm का यूज करेंगे, ठीक है। इसको अगर अनदर टर्म में देख ले, ये कुछ है नहीं, ये यूनिट है, जैसे मैं माइक्रो यूज करता हूँ, मिली यूज करता हूँ, वैसे ही यहाँ पे ये यूनिट है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और देख के बातें कर दूं, देखना यहाँ पे ये जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, ये एक यूनिट है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, देखना अगर मेरे को 2 लीटर लिखना है, ठीक है, या फिर 2 मिलीलीटर लिखना है, सुनना 2 मिलीलीटर, तो 2 को 2 मिलीलीटर कब लिखेंगे, मिलीलीटर कब लिखेंगे, जब हम लोग 2 × 10^3 तब मिलीलीटर लिखेंगे। 2 को हम लोग 2 × 10^3 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं 2 लीटर को, वैसे ही 2 ग्राम को हम लोग 2 × 10^6 ppm लिख सकते हैं। समझ में आया, थोड़ा सा ये दिमाग का खेल है, इधर उधर बस करने हैं, इसमें कुछ नहीं है, जहाँ ppm है वहाँ मतलब 10^6 पार्ट में 1 पार्ट है, ऐसा ट्रीट करने, इसमें कोई दम नहीं है, इसको लेके भी नहीं चलें। इसके छोटा सा इसके अगला टर्म लिख लेंगे ppb, इसका मतलब हुआ पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन, जो पार्ट पर मिलियन में लिखे हो वैसे ही लिखना, बस 10^6 की जगह मिलियन मतलब 10^6, बिलियन मतलब, बिलियन मतलब 10^9, ऐसा एक बार पूछा गया था हम लोगों के कोई नेता थे उधर में बोल रहे थे, इतने बिलियन ट्रिलियन सॉरी बिलियन है ट्रिलियन, इतने ट्रिलियन चाइना के पास फॉरेक्स मनी है, तो उनसे बगल वाला पूछता है ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, गायब, वो इधर उधर की बातें अब शुरू कर दी हैं, और मेरे फेवरेट नेता ही थे, लेकिन क्या करें नेता नेता, तो ये सब पते होने चाहिए थोड़ा सा, बिलियन में कितने जीरो होते हैं, मिलियन में कितने जीरो होते हैं, किसी को ये नहीं पता हो पिकोमीटर में कितने जीरो होते हैं, एंगस्ट्रम में कितने जीरो होते हैं, माइक्रोमीटर में कितने जीरो होते हैं, तो ये पढ़ाई का फिर तो बेहुदापन हुआ। वैसे ही 10^6 बताया मिलियन का, याद रखना इसको, 10^9 होता है बिलियन में, 10^9, ठीक है, 10^9 बिलियन का बात होगा। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट इनटू 10^9 ppb, जैसे मैंने वो पीछे और लिखवाया था वैसा ही चलेगा, लेकिन एक चलो अब थोड़ी सी आगे की बातें कर ले, 2 टर्म्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, मोलारिटी मोलालिटी, आगे फॉर्मलिटी भी आएगा नॉर्मलिटी भी आएगा, लेकिन अभी हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी की बातें कर लेंगे। मोलारिटी क्या होती है, MOLARITY, मोलारिटी स्पेलिंग है, इसमें लिखना इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन, मतलब लीटर सोल्यूशन की बातें हो रही है,
इट इज डिनोटेड, अगले पॉइंट में लिखना, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा। और कैपिटल एम इज इक्वल टू, नीचे में लिखना, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, थोड़ा फॉर्मूला लिख लो, डिवाइडेड बाई, बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये जरूरी याद रखना, लीटर में यूज करेंगे। जबकि कोई भी प्रैक्टिकल अगर लेते हैं, 10th लेवल, 11th लेवल, 12th लेवल, मतलब केमिस्ट्री का कोई भी लैब प्रैक्टिकल की बातें करें, तो वॉल्यूम लीटर में तो लेना ही नहीं है। 10 लीटर का प्रैक्टिकल करेंगे क्या जग में डाल के? नहीं रे, थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ी सी बूंद उसमें डालते हैं। मतलब कभी भी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो यूज जो आता है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का, वो मिली लीटर में होता है, लीटर में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लीटर में लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, लीटर में चेंज, अरे मिली लीटर में होगा, लीटर में चेंज कर देना। तो यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल एन से दिखाएंगे, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वी से दिखाएंगे इन लीटर। अगर लीटर में नहीं हो तो मिली लीटर में हो तो, और मिलीलीटर में होगा ही होगा ऑलवेज, तो मोल बाय वॉल्यूम इनटू 1000, ये हो जाते हैं फॉर्मूला। अगर हम लोग मोल को भी नहीं देखें, हम लोग इससे भी छोटा फॉर्मूला अगर डेवलप कराना चाहें, मोल निकालने आता है ना, मोल का फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। मतलब अगर इस फॉर्मूले को लिखे तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000, ये आ जाते हैं थोड़ा सा हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के मोलैरिटी का। सबसे बढ़िया बात मोलैरिटी का, ये लिखने के बाद, अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल इसका बहुत तगड़ा तगड़ा है, आगे आएगा, ठीक है। अभी मैं इसके बात कर लूँ थोड़ा सा आगे का, तो डेंसिटी का टर्म यहाँ दिख रहा है साफ साफ, कैसे सर? सर वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ देखो ये एम फॉर मोलैरिटी है, यहाँ एम फॉर मास है, मॉलिक्यूलर मास, ये थोड़ा ध्यान देकर लिखना है। यहाँ पे कैपिटल एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल एम इज इक्वल, सॉरी कैपिटल एम इज इक्वल टू मोलैरिटी और स्मॉल एम यहाँ पे है मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा ये डिफरेंसेस नहीं समझ में आते किसी किसी को, तो वहां लिख के दिखा देना। अब बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अभी लिखेंगे। देखना, अगर मैं बातें कर लू वेट बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आई थिंक मेरे हिसाब से डेंसिटी का होता है। सर डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, आपने ही बताया अभी थोड़ी देर पहले, अब मैं बोलूं कि मैं भूल गया तो शायद मेरे को लग रहा है वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी होगा, ऐसा मैं सोचूंगा। चलो मैं सोचता हूं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम को मैं डेंसिटी लिख लेता हूं इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये आ जाएगा, आएगा ना। मतलब अगर डेंसिटी की बातें करूँ तो डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाते हैं डेंसिटी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से अगर मैं डेंसिटी के टर्म में बातें किया तो ये आ गया। अगर दूसरी बातें कर लूँ थोड़ा सा, कि ये दूसरी बातें ये थी इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, मोलैरिटी को डेंसिटी के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। अगर मैं बातें कर लूँ थोड़ा सा आगे चल के, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, इसी टर्म में मोलैरिटी वाले हेडिंग में ही कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, सुनना कंसंट्रेशन तुम लोग बहुत बचपन से जानते हो, कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर बढ़ गए, यही ना बोलते हो। तो कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज फलाना, तो कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अतः n बाई वी को ही तो मोलैरिटी बोल रहे थे अभी, अभी n बाई वी को ही तो मोलैरिटी लिखे थे, ये फॉर्मूला ऊपर वाला मोलैरिटी के देखो n बाई वी तो था, मतलब n बाई वी इज ऑल्सो कॉल्ड मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू n बाई वी ऑल्सो, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलैरिटी। ये याद रखना जब तक 12th खत्म ना हो तब तक कम से कम, क्योंकि ये बार बार आएगा, इसको स्टार लगा लेना। और एक पॉइंट इसमें जोड़ ही देता हूँ, क्योंकि स्टार लगाए हो तो थोड़ा सा एक और स्टार लगा के एक पॉइंट और जोड़ ही लेना यहाँ से, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, एस भी लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन में देगा फाइंड द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, घुलना मतलब एक लीटर में कितना मोल प्रेजेंट हो जा रहा है उसको उसका पावर बोलेंगे, सॉल्युबिलिंग पावर, सॉल्युबिलिटी का यही मतलब होता है, एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबल पावर, ठीक है। तो
कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, कैसे सर? कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी मतलब मोल पर लीटर, दोनों तो सेम हुए। अब क्वेश्चन देगा फाइंड द सॉल्युबिलिटी। अब तुम बोले सर सॉल्युबिलिटी का सर फॉर्मूला है मेरे को नहीं पता चल रहा है। अरे फॉर्मूला चाहिए भी नहीं, वहां मोलैरिटी निकालने, सॉल्युबिलिटी निकालने भी नहीं है। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आएगा आगे, हम लोग सेवेंथ लेसन में पढ़ेंगे जो इक्विलिब्रियम लेसन है उसमें। लेकिन अभी तत्काल के लिए सॉल्युबिलिटी पूछेगा, लेकिन हमको मोलैरिटी निकाल के देने हैं। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। स्टार टॉपिक है, डबल स्टार लगा लो, नहीं समझ में आ रहा आरएल लिख लो, आरएल लगा लो, आरएल लगाते चलो, ठीक है। आरएल मतलब रट लो, ठीक है, तो आरएल लगाते चलो। सी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें आती हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे नहीं, एक और पॉइंट्स की। एक और पॉइंट क्या बोलता है, मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी जो होता है टर्म, वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। काहे को? बिकॉज मोलैरिटी कंटेन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना पूरा लिखोगे वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्लियर। इसके बाद से थोड़ी क्वेश्चंस की बातें आ जाएंगी, ठीक है। ये था मोलैरिटी का, बहुत अच्छा जी जान है। अब क्वेश्चंस की बातें आएंगी, क्वेश्चंस की बातें हम लोग सोच रहे हैं कल वाले टॉपिक में कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो पॉज हो चुका है। और कल वाले टॉपिक में मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉर्मैलिटी छोड़ देंगे, नॉर्मैलिटी स्टोइकोमेट्री सेकंड में करेंगे। तो कल क्वेश्चंस करते हैं, कल मोलैरिटी भी करते हैं, उसके भी क्वेश्चंस करते हैं। कल का टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा, कल मतलब संडे नहीं मंडे की बातें करें, ठीक है।